प्रियांश के लिए जो प्यार है ना, मतलब इस लेवल का था कि आप लोग मुझे डांट भी रहे थे। दादा दादी जो है बिल्कुल तैयार नहीं थे कि प्रियांश अब स्कूल नहीं जाएगा, बहुत छोटा सा बच्चा है। और उसी तरह से देख रहा हूँ कि आप लोगों के भी कमेंट आ रहे थे, दादा एडवांस बनती हो, इतने छोटे से बच्चे को डाल दिया स्कूल में, अपने आप को क्या समझते हो आप लोग, मतलब झलक रहा था कि गुस्सा है, कैसे माँ बाप हो आप लोग, इतने छोटे से बच्चे को कैसे भेज सकते हो। कि दादी जो है खुद एक टीचर है, वो कैसे डाल दी है। हाँ आखिर वो खुद टीचर होकर के कैसे उनको वहाँ पर डाल दी। कि अभी तो गर्मी छुट्टी है, गर्मी छुट्टी में कैसे स्कूल जा रहे हुआ। कि दादी नहीं छोड़ने देती है। हाँ हाँ, और इसको गाली भी देती है। बहुत बात सुने हैं उसकी दादी से कि आखिर क्यों उसको स्कूल में भेजे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो हमारा बेटा जी अब जाने लगा है स्कूल, बहुत ज़्यादा खुश है और हम लोग यह सोच करके जो है थोड़ा सा और भी खुश हो जाते हैं कि हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया, अब स्कूल जाने लग गया। और कल जो हमने ब्लॉग डाला था, बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए थे, क्रियांश को इतना आशीर्वाद मिला। एक चीज तो देख लिया आप लोग, हम लोगों से ज्यादा क्रियांश को प्यार करते, और क्रियांश के लिए जो प्यार है ना, मतलब इस लेवल का था कि आप लोग मुझे डांट भी रहे थे, जैसे मैंने अपने घर में डांट सुना है ना, वैसे जैसे उसको स्कूल में एडमिशन की बात हुई थी वैसा मैंने। तो उसी की जो है मैं भी बात करने वाला था, क्या था कि दादा दादी जो है बिल्कुल तैयार नहीं थे कि क्रियांश अब स्कूल नहीं जाएगा, बहुत छोटा सा बच्चा है। और उसी तरह से देख रहा हूँ कि आप लोगों के भी कमेंट आ रहे थे, मतलब आधे लोग थे, 50-50% थे, आधे लोग कर रहे थे आपने। तो मुझे इस चीज से गुस्सा नहीं आया कि आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे। बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है कि आप लोग क्रियांश को कितना प्यार करते हैं। तो बहुत सारा कमेंट आया, उसमें मैं कमेंट में देख रहा था कि आप लोग ज्यादा एडवांस बनती हो, इतने छोटे से बच्चे को डाल दिया स्कूल में, अपने आप को क्या समझते हो आप लोग, मतलब झलक रहा था कि गुस्सा है उनका क्रियांश को लेकर के। है बिल्कुल, तो उनके दादा दादी का प्यार था बाप। सही बात है जी, हमको तो लगा ना दिल को एकदम कठोर ये था। फिर उसके बाद कह रहे थे, यह भी कमेंट आ रहा था, कैसे माँ बाप हो आप लोग, इतने छोटे से बच्चे को कैसे भेज सकते हो, और अभी उसके ऊपर पढ़ाई का बोझ जाएगा। हाँ ये भी कह रहे थे कि उसकी दादी जो है खुद एक टीचर है, वो कैसे डाल दी। हाँ आखिर वो खुद टीचर होकर के कैसे उनको वहाँ पर डाल दी। तो मतलब इतने सारे कमेंट आए हैं, मतलब ओहो। तो ऐसा करते हैं जिसके बारे में धीरे धीरे बात सब कुछ करेंगे। फिलहाल जो हम जाते हैं जल्दी से जा करके नहा लेते हैं। क्रियांश भी सो गया है और आज क्रियांश स्कूल नहीं गया। जी हाँ, आज क्रियांश स्कूल नहीं गया हुआ है, क्योंकि आप लोग का देख रहे थे कमेंट भी आ रहा था कि यह कि अभी तो गर्मी छुट्टी है, गर्मी छुट्टी में कैसे स्कूल जा रहा हुआ। तो जी बात यह है कि गर्मी छुट्टी उसकी शुरू हो रही है 31 तारीख से और आज है 30 तारीख। तो सोचा कि एक दिन के लिए क्या भेजना, अब छोड़ ही देते हैं, क्योंकि आज भी शायद हाफ डे ही रहता इस तरह का स्कूल उसका, उसके बाद होमवर्क वगैरह मिलता। तो क्रियांश को क्या होमवर्क मिलेगा, क्रियांश तो अभी प्ले ग्रुप में है। हाँ। और जिया कुछ मंगवाई हुई है या क्या, वट सावित्री के लिए। हाँ, वट सावित्री के लिए साड़ी मंगवाई थी, मेरा बेटा पूरा मतलब पॉलिथीन से हटा के फेंक दिया इधर। और दादी जो है अभी फिलहाल पूजा कर रही है, एक दादी जो है उसको दिए वट सावित्री का कपड़ा सिलने, ऊपर से नीचे तक सलामस पीड़ा का काम करती है। और तुम्हारा कपड़ा देख रहे हैं कब सिलाता है, क्योंकि आज फोन पर फोन आ रहा है। हम बोले मम्मी को कि हो गया आपका सिला हुआ आज पक्का, तो कहती है कि कोई बात नहीं, कैसी सिल ही देंगे, नहीं तो दीदी दूसरी बार से नहीं देंगे हमको सिलने। तो हम जो है मशीन सब भी निकाले थे, बहुत जल्दी जल्दी मशीन निकलवाई मम्मी। माँ जो है तब से खड़ी और कह रही है जिया को कि जा करके नहाने के लिए, लेकिन अभी तक नहाने नहीं गई है, जल्दी जा करके ना। हाँ रोज डांट सुनती है, रोज यही काम करती है। हाँ। अब सोचते हैं कि लोग जब नहाए जब खाई लो। और बाकी तुम कुछ क्या बोलना चाह रहे थे। बोलना चाह रहे थे अभी जा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की दौड़ है, तो उसके पीछे मैं भी भाग रही हूँ, आधुनिक मांग यही है, तो उसके पीछे तो मुझे चलना ही होगा। लेकिन एक चीज हम अपने समाज में संदेश देना चाहती हूँ यूट्यूब के माध्यम से, जो कितना भी पढ़ लीजिए तो पढ़ने का मत इतना एडवांस नहीं हो जाइए कि अपने पारिवारिक सामाजिक या भारत की संस्कृति को भूल जाए, क्योंकि हमारी संस्कृति की पहचान पूरे विश्व में है। बिल्कुल है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे पुराण को अगर उल्टा कर देखा जाए तो वन में भी माता पार्वती भगवान शिव के साथ रही है, और माता सीता अयोध्या की महारानी थी, वनवास में श्री राम के साथ रही। द्रौपदी 5 महारथी की पत्नी थी, अज्ञातवास में रही, अपने कुल के द्वार है उनका चीरहरण हुआ, तभी पांडव को छोड़ के वो कहीं नहीं गई। सही बात। तो हमारी संस्कृति और परंपरा यही है, और सब आजकल की एडवांस लड़कियों से मैं अपील करती हूँ कि आप लोग अपने पारिवारिक जीवन को बनाए रखिए और भगवान से दुआ मांगते रहिए, और मैं आशीर्वाद। एडवांस बनने का मतलब ये नहीं हुआ कि परिवार से अलग हो जाए और परिवार की ईमान मर्यादा जो है उसकी अगर ख्याल नहीं रखे। पढ़ाई का मतलब है कि आप कितना शालीन हो जाए, विद्या ददाति विनयम्। आप पढ़ाई लिखाई की जहाँ तक बात है, तो हमको लगता है कि जिसमें मैं पढ़ती थी
तो कुछ कुछ परिवार ऐसा था जहाँ की लड़कियाँ कॉलेज जहाँ की लड़कियाँ पढ़ती थी। और माँ के बारे में एक चीज आपको बता दे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि माँ अपने गांव की पहली लड़की है जो फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास की थी और बीए पास। हाँ, बीए पास, वो भी एसएन कॉलेज से, और वह ग्रेजुएट, गांव की पहली लड़की है जो निर्जा ग्रेजुएट है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए फिर भी मेरे ऊपर कोई छाप नहीं पड़ा। हाँ, मैं अपनी माँ को देखते आई, अपनी दादी को देखते आई, अपनी सास को देखते आई, आज वही परंपरा को ढो रही। लगता है मेरी बहू लोग भी यही करेगी। बिल्कुल करेगी। हाँ। जो भी मेरे अपने सभी मेरे बात को समझेंगे, समय रहते सब इस बात को समझ के और अपने अपने परंपरा को अपना लेंगे। तो यहाँ पर तीनों लोग बैठे हुए हैं, तीनों लोग का क्या चल रहा है यहाँ पर? फिर अभी बताएगी हम क्या बताएं। बट सावित्री का ब्लाउज है, सिलाई कर रही है मेरी बहन, बहुत अच्छा सिलाई करती है। अच्छा, मतलब बहुत अच्छे अच्छे टेलर मास्टर का भी कान काटती है। बिल्कुल, उसका सदुपयोग नहीं करती, सदुपयोग नहीं हो पाता है। और मुझे उम्मीद रहता है कि कभी यहाँ आएगी तो एक दो ब्लाउज सी देगी। ये जो है इसका कभी फोन आते रहेगा, ऊपर से नीचे सलाम सिलाते रहेगी, इसका समय नष्ट हो जाता है। अच्छा। और दूसरी बात है कि हम लोग बचपन से एक साथ रहे हैं, तो वो सारी पुरानी बातें यहाँ होने लगती है, जो असली काम है वही असली काम हो रहा जाता है। हम आप लोग देखे होंगे कि खाली माँ मुझे डांटती है, माँ मुझे नहीं डांटती है, घर में सबको डांटती है। हाँ। लेकिन सिर्फ दिखता हम ही को। और ये जो है हम कहते तू कपड़ा निकाल के रख दो, अब अपने हिसाब से सिल देंगे, वो देती नहीं है, देती नहीं है। तो तुम्हारा भी गलती है यहाँ पर, जो काम तुम करने के लिए गई उसको पहले काम को खत्म करके फिर दूसरा काम। तो तुम कपड़ा देगी तभी ना सिलेगी। अगर मुझे कल कपड़ा नहीं देती फिर भी आज हम ये नहीं बना पाते, दे दी कल तो आज हम अपने समय। अगर आज इस बार अगर ब्लाउज नहीं पूरा करती इसको हम कभी सिलने नहीं। पहले बोल दी थी अगर आज इस बार हम ब्लाउज नहीं सिलेंगे तो कहेगी तुमको जिंदगी में नहीं। आज हम तखर के नीचे आ नहीं पाते थे, तो को पता है कि हम क्यों नहीं आ पाते हैं। जिया हमें निकाल नहीं देती थी मशीन, तो अंत में बेटा निकाला। चक्कर में थी बच्चे पकड़ेंगे हम लोग, तो ये अपना काम कर ले। मुझे चारों भाई बहन अलग अलग गुण है, बात सही है आता, इसको इतना स्पेशल हुनर है, आभा है। उसको बचपन से पॉलिटिकल थी। अच्छा। तो उसमें भगवान की पास उसको सफलता भी मिली और आशीर्वाद देते हैं कि आगे जाएगी। मेरा भाई है वो तो खैर बहुत पढ़ा लिखा आदमी, अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया है। वैसे ठीक है। मैं हूँ तो मैं अपना इस क्षेत्र में नहीं थी, खाना पीना तो अब मैं सीखी बनाने के लिए, उम्र के पड़ाव पर आ गई हूँ। और मुझे सब दिन पढ़ना लिखना अच्छा लगता था, इसको इसी में। लेकिन समय पर ये लोग किसी काम का सदुपयोग नहीं करती है, अपना टाइम खुद में बर्बाद करती है। इसलिए नहीं करते थे, पिताजी तो रहे नहीं, ये बात हम सुना कि फायदा भी क्या है। पिताजी को हमको इसी में मन लगता था हर हमेशा, मुझे फैशन डिजाइनिंग करना चाहिए, मुझे कहते थे स्कूल जाओ, स्कूल जाने मुझे अच्छा नहीं। अगर फैशन डिजाइनिंग में जाती तो मम्मी अभी सबसे। बिल्कुल। तो क्रियांश तो उधर सो गया जी, और क्रियांश के सोने के साथ ही हमारा खाना पीना हो गया। फिलहाल दोनों दादी का खाना लगा हुआ है, अपना दोनों दादी जो है खाना सब खा रही है। दादी भूख है तो मैं रहेगी। सही बात है, बिल्कुल खाना खाएगी सभी लोग। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि क्रियांश को लेकर जैसे मेरा खाना बनता है, तो हम सबसे पहले अपने बेटा और अपने पति को सब दिन खाना देते हैं। जब से लोग का स्कूल बालिग हो गया तब से, और उसके बाद हम लोग सब मिल जुलते। सही बात है जी। और ये भी है, स्कूल जब हो गया ये खाना दे देती थी, स्कूल ड्यूटी भी करना ये जल्दी जल्दी अपना भेज देती थी। बच गया हमारा पोता के लिए, पोता के स्कूल भेजने में हम और पोता के पापा सब लोग साथ थे, इसलिए कि उसका चाचा भी इसी उम्र में गया था स्कूल। बिल्कुल जी। हाँ। तो हमारा तो छोटा भाई है, वो मम्मी के पास ही पला भरा है, तो वही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि वो अभी 2 साल की उम्र में ही गया हुआ था। गया था वो तो मेरा पोता तो रोया नहीं, आधा दिन जाता है वही रहे। वो ग्रुप में खेलता है, खेलने जाता है वहाँ पे और मस्ती करता है। जब ये भी एक ही घंटा के लिए जाता है अभी, बिल्कुल, तो उनके जो प्रिंसिपल है वो बोलते हैं कि नहीं इसको 2-3 घंटा के लिए छोड़ दीजिए, आराम से छोड़ दीजिए। और वो रह लेगा, उसकी दादी नहीं छोड़ने देती है और इसको गाली भी देती है। बहुत बात सुने हैं उसकी दादी से कि आखिर क्यों उसको स्कूल में भेजे। और बाकी आप लोग का भी सेम रिएक्शन है लगभग आधे लोगों का। ये सही है, हमारे पोता के लिए आप लोग के बहुत प्यार है, स्नेह है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। लेकिन हमारा पोता अगर नहीं जाएगा स्कूल, आप बताइए, अभी नहीं बैठेगा, दूसरा कोई बच्चा है नहीं मेरे घर में, शहर के जिंदगी में छोटा सा जगह है, खेल नहीं पाता है मेरा पोता, वहाँ केवल खेलने के लिए दिया गया है और खेल रहा है, वो बड़ी मस्ती से जाता है। आज से स्कूल बंद है लेकिन फिर भी वो जाना चाह रहा है। बिल्कुल। और आप लोग भगवान से दुआ कीजिए कि सही सलामत स्कूल में रह जाए और पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, ताकि एक पहचान।
तो जी आप लोगों ने देख लिया दादी सब का भी क्या प्रतिक्रिया है क्रियांश को लेकर के। तो अब जो है दादी सब न्यूट्रल हो गई है जब से पोते को देखी है कि पोता जो है स्कूल में ही रहना चाहता है, यहाँ के मुकाबले उसको स्कूल में ही ज़्यादा मन लगता है क्योंकि वहाँ पर बच्चे उसको अच्छे खासे मिल जाते हैं। और जी हमारी हमारा जो जीवन है जी उसमें लगभग 24 घंटे हैं और 24 घंटे में से सिर्फ एक घंटा ही वहाँ पर रहता है और वह भी घर के पास में है कि यहाँ से हम जाते हैं 5 मिनट में उसको हम पहुँचा देते हैं और उसके बाद जैसे एक घंटा होता है 5 मिनट में उसको ले आते हैं, तो ज़्यादा देर भी नहीं रह रहा है जी। और कुछ लोगों का कमेंट था कि उसका बचपन है अभी उसको खेलने दीजिए जी, उसका बचपन कहीं नहीं जा रहा जी, उसका बचपन वहाँ पर खेलता ही है और ना ही कोई उसके ऊपर टास्क का कोई प्रेशर है, ना किसी चीज़ का प्रेशर है, ना कोई पढ़ाई का प्रेशर है, सिर्फ जाके खेल रहा है। जो खेल यहाँ पर खेलता था हम लोगों के साथ वही खेल वह एक घंटे जा करके 20 बच्चों के साथ खेल रहा है, तो वही वैसा ही बात है जी। और बहुत लोग कह रहे थे कि हम लोग भी डालना चाहते हैं लेकिन डर लग रहा था, तो कलेजा तो मजबूत करना पड़ेगा जी, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे कुछ सीखे तो कलेजा तो थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। हमारा भी कलेजा बड़ा कमजोर है लेकिन अभी मजबूत कर लिया तो ले गए, ये देख के आया था तो फिर रो रहा था लेकिन हमारे इसके जो प्रियांश का चाचा था जो मेरे पास था बोलू वो तो जाने में बहुत रोता था, फिर भी उसको हम किसी तरह वहाँ दिए। बिल्कुल, वहाँ बैठना उठना खेलना इतना अच्छा से करता है बच्चा, सीखता बहुत कुछ है। आप लोग भी हम कहेंगे आप अपने बच्चे को, मेरा भाई उसमें वहीं रहता था तो बोला कर से उसको छोड़ने नहीं चाहिए लेकिन क्रियांश तो चाहता है, उसके बाबा को भी बड़ी मुश्किल से मनाया गया है लेकिन बाबा भी अब चुप हो गए उसको देख कर। बिल्कुल, चाबी लेता है, क्रियांश चाहता है वहीं पर चाबी देता है अपने पापा के हाथ में बैग की, चलो स्कूल चलो स्कूल चलो। तो उम्मीद करते हैं जी भगवान ऐसा ही उसका बुद्धि रखे और ऐसे ही मजे में रहे और ऐसे ही स्कूल जाता रहे। तो इसी के साथ जी इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी हमारे कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।